तिलक समारोह में जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस पलटने से हादसा हुआ है, चीख पुकार मची। इटावा में तिलक समारोह में जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस हादसे में 12 यात्री घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे। आपको बता दें, इटावा जनपद के थाना बड़पुरा इलाके में देर रात मध्य प्रदेश के भिंड इलाके से आगरा के बाहा इलाके में तिलक समारोह में जा रही सवारियों से भरी प्राइवेट बस पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हुए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इस मामले में बताया गया है, बस में 55 से अधिक लोग सवार थे, जो कि तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद इटावा के डीएम अवनीश राय, एसएसपी संजय कुमार वर्मा समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायल ने बताया कि ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। बस का ड्राइवर कुछ शराब भी पिए हुए था। देखिए, उदी से बाहर रोड पर थाना बड़बुरा के पास में एक बस का हादसा हुआ है। बस पलट गई थी। लगभग 50 से 55 यात्री थे उसमें, और भिंड से जरार जो आगरा बाहा तहसील में है वहाँ पर जा रहे थे शादी के प्रोग्राम को लेकर। अच्छी बात यह है कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को हॉस्पिटल भर्ती किया गया है, 2 लोग अभी CHC उदी में हैं और 5 लोगों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, बट सभी लोग सामान्य हैं, किसी प्रकार की कोई मेजर इंजरी नहीं है। कितने लोग घायल हुए हैं टोटल? लगभग यहाँ पे 7 लोग घायल हैं, 2 लोग CHC उदी में हैं, 5 लोग यहाँ जिला अस्पताल में हैं। हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? हादसे की वजह देखिए, रात का समय था और बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। अभी ड्राइवर मौके पर नहीं थे सर, लेकिन वहाँ का लोगों का कहना है, घायलों का, कि वहाँ पर ओवरलोड जो ट्रैक्टर है, ईंट लद के जा रहे थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। देखिए, वो जांच का विषय है और पुलिस की जांच के द्वारा ही बताया जा सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ है। सर, कौन सी बस्ती, प्राइवेट डिपो की बस्ती या सरकारी डिपो की बस्ती, कौन सी बस्ती? हाँ, डबल डेकर बस्ती, प्राइवेट बस्ती। प्राइवेट बस्ती। मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, क्या घटना हुई है? हम जैसे जा रहे थे बस से, वो ईंटों का ट्रैक्टर जो ओवरलोड था, वो साइड से उसे बचाने के चक्कर में बस सीधे जाके गड्ढे में घुस गई, और ड्राइवर ने थोड़ी सी दारू पी रखी थी। किस ड्राइवर ने? बस के भी ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, हल्की सी पी थी उनने हमारे सामने, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बस सही चल रही थी। वो आया साइड मारी उनने, ट्रैक्टर वाले ने, तो उसे बचाने के चक्कर में गड्ढे में नीम के पेड़ में जाके लगी गाड़ी, वहीं जाके दुर्घटना हो गई हाथों हाथ। बस में कितने लोग सवार थे, कहां से कहां जा रहे? बस में हम भिंड से जा रहे थे मुरैना सर, सिक्का लगुन चढ़ाने। हाँ, कितने लोग थे बस में? बस में 55-50 लोग होंगे। कितने लोग घायल हुए? घायल हुए हैं मेरे ख्याल से, घायल तो ज़्यादा हुए हैं, 25-30 आदमी, और गुम छोटे हैं 10-12 के, ज़्यादा जनों के छोटे गंभीर हैं।